Now we will discuss a new chapter, that is chapter 4, and the name of the topic is reproductive health. तो सबसे पहले reproductive health का ही मतलब समझ लिया जाए. तो जो term reproductive health है, it simply means healthy reproductive organs with normal functioning. ठीक है, तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ठीक है, और इस चैप्टर में सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब समझाया गया है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है. तो देखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिंपली रिफर्स टू हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विथ नॉर्मल फंक्शनिंग. तो व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ? तो इट सिंपली मींस, इसका सिंपल मीनिंग जो होता है, इट सिंपली मींस हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ठीक विथ नॉर्मल फंक्शन्स. ठीक है, ये मतलब होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का. लेकिन अगर हम ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो हमको इसमें सोशल एस्पेक्ट भी जोड़ना पड़ेगा, इसमें हमको इमोशनल एस्पेक्ट भी जोड़ना पड़ेगा, इसमें हमको बिहेवियरल एस्पेक्ट भी जोड़ना पड़ेगा. तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन ब्रॉडर perspective means healthy reproductive organs as well as well thought emotions, well behavioral practice and well social tackling of reproductive issues. मतलब सीधा सीधा ये है कि जब आपसे कोई पूछे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सिंपल मतलब क्या है, तो बोलोगे भैया जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो हेल्दी हो और नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं, तो बोलेंगे कि अच्छा रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज गुड. लेकिन अगर उसको व्यापक रूप से देखोगे, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखोगे, तो आप की जो इमोशंस आते हैं रिप्रोडक्शन को लेकर के, जो फीलिंग्स आती हैं, वो भी हेल्दी होनी चाहिए. आपका जो रिप्रोडक्टिव एक्ट के प्रति जो बिहेवियर है, जो रिप्रोडक्शन के प्रति बिहेवियर है, जो सोच है, वो भी हेल्दी होनी चाहिए. ठीक है ना? तो इमोशनली, फिर आप कह सकते हैं बिहेवियरली, और जो समाज में, सोसाइटी में रिप्रोडक्शन को लेकर के एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए. तो ये चीज होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर उसको देखें. और WHO ने जो डेफिनेशन दिया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव वाला ही दिया है, व्यापक रूप वाला ही दिया है. तो इसको आप लिख लेंगे कि अकॉर्डिंग टू WHO रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस, अकॉर्डिंग टू WHO reproductive health means, according to WHO, reproductive health means total well-being in all aspects of reproduction, means total well-being in all aspects of reproduction. Total well-being in all aspects of reproduction. All aspects तो समझ ही गए, behavioral, emotional, social, ठीक है. तो all aspects of reproduction, physical, emotional, behavioral and social. Physical मतलब reproductive organs. प्रोडक्शन कौन कौन से एस्पेक्ट हो गए, फिजिकल, बिहेवियरल,
मेंशन कर लेंगे, फिजिकल हो गया, बिहेवियरल हो गया, इमोशनल एंड सोशल। तो ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव वाला डेफिनेशन है, ठीक। अब इसके बाद जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के डेफिनेशन को समझने के बाद आपको सीधे हम बर्थ कंट्रोल मेजर्स, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और इनफर्टिलिटी और उनको दूर करने के लिए जो डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं जिसको असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स कहा जाता है ART, वो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। जो ये कोर पोर्शन है पहले हम उनको डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद फिर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और फैमिली प्लानिंग का मकसद और वो तमाम जो ऐसे टाइप वाला पोर्शन होता है जिस पर कभी आप ऐसे लिखा करते रहे हैं क्लास 8th में, 9th में, 10th में, उन चीज़ों पर हम आएंगे, ठीक है। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वेरियस बर्थ कंट्रोल मेजर्स। अच्छा, बर्थ कंट्रोल मेजर्स को ही कंट्रासेप्टिव मेथड भी कहा जाता है। मतलब कंट्रासेप्टिव मेथड जो होता है वो प्रिवेंट करता है अनवांटेड प्रेगनेंसीज को, तो यही है तो है बर्थ कंट्रोल मेजर। तो कंट्रासेप्टिव मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे, कंट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है। इसी को हम लोग बर्थ कंट्रोल मेजर भी कहा जाता है, बर्थ कंट्रोल मेथड्स, ठीक है। मतलब इट प्रिवेंट अस फ्रॉम अनवांटेड प्रेगनेंसी, इट प्रिवेंट फ्रॉम अनवांटेड प्रेगनेंसीज, ठीक है। तो ये हमको अनचाहे गर्भ से छुटकारा दिलाता है, ठीक है, अनवांटेड प्रेगनेंसीज। अब ये जो कंट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं इसमें बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि आइडियल कंट्रासेप्टिव मेथड या आइडियल कंट्रासेप्शन क्या होता है। तो आइडियल कंट्रासेप्टिव की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो आइडियल कंट्रासेप्टिव की जो प्रॉपर्टीज क्या होती है, इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो हम डिस्कस करेंगे, किसको हम कहेंगे कि वो सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा कंट्रासेप्टिव मेथड है, आइडियल कंट्रासेप्टिव मेथड है। तो आइडियल कंट्रासेप्टिव मेथड का जो प्रॉपर्टी है, इट शुड बी यूजर फ्रेंडली, इजीली अवेलेबल। तो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इट शुड बी यूजर फ्रेंडली, ठीक है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि FRIENDLY, ठीक है, तो इट शुड बी यूजर फ्रेंडली। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना होगा कि इजिली अवेलेबल होगा, ठीक है, तो ये इजिली अवेलेबल भी होना चाहिए इसको, इजिली अवेलेबल, ये इजिली आसानी से ये उपलब्ध हो, ये नहीं कि उसको बहुत ढूंढने में आपको समय लगे, तो इजिली अवेलेबल इसको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ये इजिली अवेलेबल होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक। उसके बाद इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है आपको, इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल, इफेक्टिव तो होना ही चाहिए, असरकारी, भाई जिस चीज के लिए यूज कर रहे हैं वो चीज होना चाहिए और इफेक्टिव होना चाहिए, और आप कह सकते हैं कि रिवर्सिबल होना चाहिए, मतलब जब आप इस कंट्रासेप्शन मेथड को यूज करना बंद कर दें तो ये फिर से आप प्रेगनेंसी अचीव कर ले, तो रिवर्सिबल होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, ठीक। तो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजिली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, नो साइड इफेक्ट, नो साइड इफेक्ट, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और या अगर साइड इफेक्ट है भी तो लीस्ट साइड इफेक्ट, और लीस्ट साइड इफेक्ट NCERT में लिखा है, नो और लीस्ट साइड इफेक्ट। तो इस तरीके से जितने भी कंट्रासेप्शन मेथड हम यूज करते हैं उनमें ये सारी प्रॉपर्टी हो ये जरूरी नहीं है, बट एक धारणा है कि आइडियल कंट्रासेप्शन क्या हो सकता है,
जिसमें कि ये पांचों प्रॉपर्टी हो, यानी वो यूजर फ्रेंडली हो, मतलब आप आसानी से उसको यूज कर सके, इजिली अवेलेबल हो, मार्केट में आसानी से मिल जाए, इफेक्टिव हो, भाई प्रेगनेंसी रोकने के लिए आप यूज कर रहे हैं, इसको यूज करने के बाद भी प्रेगनेंसी अचीव हो गई तो बेकार है। उसके बाद रिवर्सिबल हो, यानी आप उसको जब हटा दें, यानी उस मेथड को यूज करना बंद कर दें, तो आप प्रेगनेंसी अचीव कर लें, ठीक। और उसका साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, आप बहुत ही न्यूनतम साइड इफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर ये ध्यान रखेंगे कि एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि सेक्सुअल ड्राइव या डिजायर को भी वो अफेक्ट ना करे, सेक्स की जो इच्छा है वो प्रभावित ना हो। पता चले कि उस कंट्रासेप्शन मेथड का इस्तेमाल किया और सेक्स की इच्छा ही मर गई, तो सेक्सुअल ड्राइव या सेक्सुअल डिजायर भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये भी एक पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो छठवां जो पॉइंट होगा जो इसमें आप ऐड कर सकते हैं कि नो इफेक्ट ऑन या सेक्सुअल ड्राइव और डिजायर शुड नॉट बी अफेक्टेड, और जो सेक्सुअल एक्ट है उस पर भी हिंड्रेंस नहीं होगा, होना चाहिए। ये इस कंट्रासेप्शन मेथड, आइडियल कंट्रासेप्शन की एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो डू नॉट इंटरफियर विथ सेक्स ड्राइव और डिजायर, ठीक है, और सेक्सुअल एक्ट, यानी सेक्सुअल एक्ट में भी कोई इससे दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो ये भी आप ऐड कर लीजिएगा। तो एक आर्टिकल कंट्रासेप्शन की जो प्रॉपर्टीज है, यूजर फ्रेंडली, इजिली अवेलेबल, इफेक्टिव, रिवर्सिबल, नो साइड इफेक्ट और लीस्ट साइड इफेक्ट, और डू नॉट इंटरफियर विद सेक्स ड्राइव और डिजायर। सेक्स ड्राइव मतलब सेक्स की इच्छा, सेक्स करने का मन, वो प्रभावित नहीं होना चाहिए, और डिजायर मतलब इच्छा, और सेक्सुअल एक्ट इंटरकोर्स का जो एक्ट होता है, कोइटस जिसको बोलते हैं। तो ये हो गया आइडियल कंट्रासेप्शन कंट्रासेप्टिव के बारे में। देखेंगे कि कौन कौन से कंट्रासेप्शन मेथड्स यूज किए जाते हैं लोगों के द्वारा। तो एनसीईआरटी बुक में जिन कंट्रासेप्शन मेथड का जिक्र है उनका आप लिस्ट बना लीजिए। तो कंट्रासेप्शन मेथड्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो एक होता है नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड, एक होता है ट्रेडिशनल नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा होता है बैरियर मेथड। तो हम लोग कंट्रासेप्शन मेथड डिस्कस कर रहे हैं, तो कौन कौन से कंट्रासेप्शन मेथड हैं जो लोग यूज करते हैं। तो जो कंट्रासेप्शन मेथड यूज करते हैं वो है नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, फिर यूज किया जाता है ओरल पिल्स है, ओरल कंट्रासेप्शन जिसको कहा जाता है, फिर पिल्स यूज किया जाता है, ओरल पिल्स यूज किए जाते हैं कंट्रासेप्शन मेथड के रूप में। तो ये सब चीज मेंशन करते हैं हम लोग। तो नेचुरल मेथड हो गया, बैरियर मेथड हो गया, IUDS हो गया, ओरल कंट्रासेप्शन हो गया, IUDS मतलब इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, यूट्रस के अंदर डाला जाता है इसको, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, या इसको IUCDS भी बोलते हैं, IUCDS इंट्रायूटराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, इंट्रा यूटराइन, मैं इसके दोनों लिख रहा हूं कि आप इसको अलग ना समझिएगा, कंट्रासेप्टिव डिवाइस, ठीक है। उसके बाद चौथा जो मेथड होता है ओरल कंट्रासेप्शन, मतलब गोली खाई जाती है इसमें, ठीक है, ओरल कंट्रासेप्शन, ठीक है, ओरल कंट्रासेप्शन हो गया। उसके बाद फिर इम्प्लांट्स यूज किया जाता है, ठीक है ना, फिर सर्जिकल मेथड यूज होता है, मतलब ये सब भी कंट्रासेप्शन मेथड में आते हैं। तो आप इसको आप मेंशन कर लेंगे कि इंजेक्टेबल्स हैं, इम्प्लांट्स हैं, इंजेक्शन भी लगता है, तो इंजेक्शन या उसको इंजेक्टेबल्स कहा जाता है, ठीक है, तो इंजेक्टेबल्स हो गया। और फिर हमने क्या कहा था, हमने कहा था इम्प्लांट्स, इम्प्लांट्स हो गए, और फिर आता है सर्जिकल मेथड या इसी को टर्मिनल मेथड भी कहा जाता है, टर्मिनल मेथड, और हम बारी बारी से इन मेथड को डिस्कस करेंगे।
तो कंट्रासेप्शन मेथड कौन कौन से होते हैं? तो उसमें आपको नेचुरल मेथड या ट्रेडिशनल मेथड, बैरियर मेथड, आईयूडीएस, ओरल कंट्रासेप्शन, ठीक है, इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स और सर्जिकल मेथड। सबसे पहले हम लोग नेचुरल मेथड डिस्कस करते हैं। देखिए जो नेचुरल मेथड होता है, इसमें कोई चीज, कोई डिवाइस नहीं यूज किया जाता है। इसमें बिहेवियर से, अपने आचार व्यवहार में परिवर्तन से हम इसको अचीव करते हैं, इस मेथड को यूज करते हैं। ये एक बिहेवियरल प्रैक्टिस है। अब नेचुरल मेथड में तीन तरीके का नेचुरल मेथड का जिक्र एनसीईआरटी बुक में है, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें एक होता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। तो ये ध्यान रखेंगे, एक होता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस हो गया, आइए, और दूसरा होता है कोइटस इंटरप्टस। अभी समझा रहे सबका मतलब, कोइटस इंटरप्टस, ठीक है, तो कोइटस इंटरप्टस हो गया, ठीक है, या उसी को विथड्रॉल मेथड भी कहा जाता है, विथड्रॉल मेथड भी कहा जाता है कोइटस इंटरप्टस को। और फिर उसके बाद ये ध्यान रखेंगे सी जो है लैक्टेशनल एमनोरिया, मतलब नो मेंस्ट्रुएशन। एमनोरिया में एमनोरिया का मतलब होता है नो मेंस्ट्रुएशन, तो लैक्टेशनल एमनोरिया, AMENORIA, RHOEA, ये अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का बस फर्क होता है, तो ध्यान रखेंगे RHOEA लिख दीजिए, चलेगा। तो लैक्टेशनल एमनोरिया, तो कोइटस इंटरप्टस किसी को विड्रॉल मेथड करते हैं, ये लिख लेना, ये विड्रॉल, ठीक है। तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, कोइटस इंटरप्टस और लैक्टेशनल एमनोरिया, ये तीनों मेथड को नेचुरल मेथड या ट्रेडिशनल मेथड कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो तीनों मेथड होते हैं ये अवॉइड करते हैं स्पर्म और ओवम के मीटिंग को, यानी फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करते हैं। जो भी नेचुरल मेथड आप देख रहे हैं, इट प्रिवेंट्स फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है, मतलब मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम। तो ये ध्यान रखेंगे मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम, यानी इसमें स्पर्म और ओवम को मिलने नहीं दिया जाता है, ठीक है, चाहे वो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस हो या कोइटस इंटरप्टस हो या लैक्टेशनल एमनोरिया हो, इसमें आप स्पर्म और ओवम का फ्यूजन रोकने की कोशिश करते हैं, ये मिलने ना पाए। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस होता है, इसमें जो कपल होते हैं यानी मेल और फीमेल होते हैं, हस्बैंड और वाइफ जो होते हैं, उनके बीच में सेक्स या कोइटस नहीं होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 से लेकर 17वें दिन तक, यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का 10वां दिन और जो 17वां दिन होता है उसके बीच में ओवुलेशन का चांस बहुत ज्यादा होता है। 14वें दिन तो ओवुलेशन ही होता है, बट वो एवरेज है ना, हो सकता है 13वें दिन हो जाए, हो सकता है 12वें दिन हो जाए, हो सकता है 15वें दिन हो जाए, हो सकता है 16वें दिन हो जाए। तो सेक्स इज अवॉइडेड ड्यूरिंग दिस रिस्की पीरियड, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में क्या होता है, कपल अवॉइड और अब्स्टेन फ्रॉम कोइटस, कपल अवॉइड, अवॉइड सेक्स, अवॉइड और अब्स्टेन, अब्स्टेन फ्रॉम कोइटस मतलब सेक्स, ठीक, कोइटस, ठीक है, फ्रॉम डे 10 टू 17, फ्रॉम डे 10 टू 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक, ये क्लियर हो गया, ठीक है। व्हेन ओवुलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड, क्योंकि इसी दौरान ओवुलेशन हो सकता है, व्हेन ओवुलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड, तो ओवुलेशन जो है इसी दौरान एक्सपेक्ट किया जाएगा ना, 14th डे एवरेज हो गया, तो हो सकता है 2-3 दिन पहले, 2-3 दिन बाद तक हो, बाद हो ओवुलेशन। तो ये हो गया पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का मतलब है
कि हर महीने जो है जब फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल को ऑब्जर्व करेंगे तो 10वें से लेकर 17वें दिन के बीच में कोई सेक्स ना किया जाए तो प्रेगनेंसी का चांस जो है बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ये रिस्की पीरियड कहा जाता है, ठीक है। और क्योंकि इस पीरियड में चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज वेरी हाई, और यहां भी लिखा गया द चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज वेरी हाई, द चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज वेरी हाई, ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इसीलिए इस पीरियड में पीरियड में सेक्स नहीं करते। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें मेंशन किया गया है कि अगर इस समय अगर सेक्स नहीं करेंगे तो प्रेगनेंसी का चांस बहुत ही कम हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया नेचुरल मेथड में जो पहला मेथड है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। इसके बाद जो दूसरा मेथड होता है विथड्रॉल मेथड या कोइटस इंटरप्टस, इसमें भी इसमें क्या करते हैं, इसमें कोइटस करते हैं, सेक्स करते हैं, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जिस समय सीमेन निकलने वाला होगा, स्पर्म निकलने वाला होगा, उस समय पेनिस को वजाइना से बाहर कर लेते हैं, यानी कोइटस को आपने इंटरप्ट कर दिया, सेक्स का जो एक्ट चल रहा था उसको आपने क्या कर दिया, इंटरप्ट कर दिया। तो नाम क्या है, कोइटस इंटरप्टस, विथड्रॉ कर लिया, पेनिस को वजाइना से विथड्रॉ कर लिया। तो जस्ट बिफोर इजैकुलेशन, सीमेन निकले, स्पर्म निकले, उससे पहले ही आपने पेनिस को वजाइना से विथड्रॉ कर लिया, यानी सेक्स को बीच में रोक दिया, तो कोइटस इंटरप्टस या विथड्रॉल मेथड इसीलिए इसको कहा जाता है। तो लिख लेंगे कोइटस इंटरप्टस क्या होता है, तो कोइटस इंटरप्टस मैं इधर मेंशन कर देता हूँ, व्हाट इज कोइटस इंटरप्टस। तो यहां लिख देंगे कि मेल पार्टनर विथड्रॉज हिज पेनिस, मेल पार्टनर विथड्रॉज इट्स पेनिस फ्रॉम विजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन, जस्ट बिफोर इजैकुलेशन। तो सिंपल सी चीज है कि सेक्सुअल एक्ट चल रहा है, कोइटस चल रहा है, और जब मेल को लगता है कि इजैकुलेशन होगा तो उस समय पेनिस को वजाइना से वो बाहर निकाल लेता है, दैट इज कोइटस इंटरप्टस, और या इसी को विथड्रॉल मेथड कहा जाता है, ठीक है। अब यहां पर भी आपने देखा कि इंसेमिनेशन को रोक दिया गया, इंसेमिनेशन हुआ नहीं, मतलब सीमेन जो है वो वजाइना में गया नहीं, तो एक तरह से इट अवॉइड्स इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन का मतलब ही है डिस्चार्ज ऑफ सीमेन फ्रॉम पेनिस इनटू वजाइना, तो यहां इंसेमिनेशन होने नहीं दिया जाना, तो यहां पर एक तरह से इंसेमिनेशन इज अवॉइडेड, इंसेमिनेशन लेकिन जिस समय स्पर्म रिलीज हो रहा है उसको पेनिस को बाहर निकाल दे रहा है, तो यानी इंसेमिनेशन नहीं होने दे रहे, सीमेन को वजाइना में नहीं छोड़ रहे। अब जो इसमें तीसरा जो टाइप है लैक्टेशनल एमनोरिया, इसमें क्या होता है, देखिए लैक्टेशनल एमनोरिया का मतलब होता है बच्चा पैदा होने के बाद जब तक फीमेल में हैवी लैक्टेशन होता है, बहुत ज्यादा दूध निकलता रहता है बच्चे को फीड कराने के लिए, तब तक उस फीमेल में ना तो ओव्यूलेशन होता है और न ही मेंस्ट्रुएशन होता है, मतलब उसमें जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद रहती है, उसकी पीरियड्स बंद रहते हैं। तो जब ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो उस दौरान अगर सेक्स होगा, कोइटस होगा, तो प्रेगनेंसी होगी ही नहीं। तो लैक्टेशनल एमनोरिया का भी एक समय होता है कि उस समय अगर सेक्स हो रहा है तो भी प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है। तो लैक्टेशनल एमनोरिया का मतलब होता है कि नो मेंस्ट्रुएशन इन लैक्टेटिंग फीमेल, नो मेंस्ट्रुएशन इन हैवीली लैक्टेटिंग फीमेल, लैक्टेटिंग फीमेल यानी जिस फीमेल में भारी मात्रा में दूध निकल रहा है तो उसमें मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, ठीक है। एंड इट इज
just after parturition, यानी parturition के ठीक बाद ये condition आती है and prevail maximum for 6 month, और ये 6 month तक चल सकता है, अधिकतम 6 month तक चल सकता है। कुछ फीमेल में heavy lactation बच्चा पैदा होने के 3 महीने तक चलता है, कुछ में 4 महीने तक, कुछ में 6 महीने तक। तो lactational amenorrhea का टाइम फिक्स नहीं है कब तक रहेगा। बच्चा पैदा आज हुआ तो आज से 2 महीने तक भी lactational amenorrhea का कंडीशन रह सकता है, 6 महीने तक भी रह सकता है, लेकिन जब तक lactational amenorrhea का कंडीशन रहेगा तब तक उसमें फिर से बच्चा नहीं आ सकता सेक्स के बावजूद भी। और उसकी वजह यह है कि उसमें जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो एक तरह से बंद रहेगी, ओवुलेशन भी नहीं होगा, मेंस्ट्रुएशन भी नहीं होगा। वजह उसकी यह है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल ज्यादा होने की वजह से मिल्क का सेक्रेशन, मतलब मिल्क की सिंथेसिस बढ़ जाती है, और प्रोलैक्टिन क्या करता है, ओवुलेशन प्रोसेस को इनहिबिट करता है, तो ओवुलेशन नहीं होने पाता है जो लैक्टेटिंग फीमेल होती है, हैवली लैक्टेटिंग फीमेल जो होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर साफ साफ लिख लेंगे कि नो ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन भी न होता, सो नो चांस ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इस पीरियड में प्रेगनेंसी का कोई चांस नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा लैक्टेशनल एमनोरिया के केस में। क्लियर हो गया। और मैक्सिमम में 6 महीने तक होता है। तो आपने देखा कि लैक्टेशनल एमनोरिया के केस में सेक्स भी हो रहा है, इंसेमिनेशन भी हो रहा है, लेकिन बच्चा पैदा नहीं होगा। उसकी वजह है कि फीमेल में ओवुलेशन नहीं हुआ, अंडा ही नहीं निकल रहा, तो प्रेगनेंसी कहां से आएगी। और अधिकतम ये कितने समय तक रह सकता है, मैक्सिमम फॉर 6 मंथ, ठीक है। और कोई भी नेचुरल मेथड हो, चाहे पीरियोडिक एब्स्टिनेंस हो, चाहे कोइटस इंटरप्टस हो, या विड्रॉल मेथड हो, या लैक्टेशनल एमनोरिया हो, इन सभी में कोई मेडिसिन या कोई डिवाइस नहीं यूज किया जाता है। तो नेचुरल मेथड इसीलिए कहा गया है कि नो मेडिसिन और डिवाइसेस आर यूज्ड। तो नेचुरल मेथड में कोई मेडिसिन या डिवाइस यूज नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें कोई साइड इफेक्ट होता ही नहीं है, नो साइड इफेक्ट। तो अगर कोई मेडिसिन ही नहीं यूज होगा, कोई डिवाइस ही नहीं यूज होगा, तो कहां से साइड इफेक्ट आएगा। तो नो, देयर इज नो साइड इफेक्ट। तो नेचुरल मेथड में सो देयर इज नो साइड इफेक्ट, तो कोई साइड इफेक्ट ही नहीं होता है, नो साइड इफेक्ट। ये बात समझ में आया, तो ये चीज आप रख लीजिएगा। लेकिन नेचुरल मेथड में फेलियर का चांस बहुत ज्यादा होता है भाई। जब कोइटस इंटरप्टस चल रहा होता है, सेक्स चल रहा होता है, तो लोगों को लगता है कि जब हम सीमन को रोक लेंगे तो सीमन जाने नहीं देंगे वजाइना में, और विड्रॉ कर लेंगे पेनिस को, तो सारा सीमन तो बाहर आ गया, तो फिर कहां से प्रेगनेंसी होगी। नहीं, ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट थोड़ा थोड़ा सीमन और स्पर्म निकलता रहता है, हाँ उसकी मात्रा बहुत ही कम होती है। तो भैया फर्टिलाइजेशन के लिए देखिए स्पर्म काफी है, बाय चांस वही स्पर्म बच के पहुंच गया तो और लैक्टेशनल एमनोरिया में जिस फीमेल में लैक्टेटिंग फीमेल है, क्या पता कि उसमें 2 महीने में खत्म हो जाएगा, 4 महीने में खत्म हो जाएगा, 6 महीने में खत्म हो जाएगा, कोई फिक्स टाइम तो है नहीं ना। तो हम ये कैसे मान सकते हैं कि जो लैक्टेटिंग फीमेल है उसके उसमें उसका पार्टनर उसके साथ सेक्स के लिए जा रहा है तो वो प्रेग्नेंट नहीं होगी, क्योंकि उस फीमेल के बॉडी पर तो कहीं लिखा नहीं है कि हम 6 महीने तक जो है ओवुलेशन नहीं करेंगे। तो इसलिए ये भी रिस्की है। और पीरियडिक एब्सटिनेंस अगर आप करें कि 10 से 17 दिन तो हो सकता है किसी भी मतलब 9वें दिन ओवुलेशन हो गया, तो 9वें दिन अगर सेक्स किया गया है तो, या 18वें दिन 20वें दिन किसी भी मतलब ओवुलेशन हुआ तो ये चांस वाली बात है। तो इसका मतलब ये फेल का चांस इसमें ज्यादा है, एक तरफ इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन दूसरे तरफ इसके फेलियर फेल होने का चांस ज्यादा है। तो एनसीईआरटी को मेंशन करती है कि चांस ऑफ फेलियर ऑफ नेचुरल मेथड आर आल्सो हाई। तो चांस ऑफ फेलियर इज हाई, तो इसका फेलियर का चांस बहुत ज्यादा होगा, मतलब कि प्रेगनेंसी अटेन हो सकती है। कंट्रासेप्शन मेथड में नेक्स्ट मेथड है बैरियर मेथड, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे।
बैरियर मेथड्स, जो बैरियर मेथड्स होते हैं उसमें क्या किया जाता है, उसमें कुछ डिवाइसेस यूज किए जाते हैं, उन डिवाइसेस के मदद से वो स्पर्म को ओवम तक पहुंचने नहीं दिया जाता है, स्पर्म वो बीच में रोक लेता है। तो ये डिवाइसेस होते हैं बैरियर मेथड में, बैरियर्स आर डिवाइसेस दैट प्रिवेंट द फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम, यानी फर्टिलाइजेशन को ये भी प्रिवेंट करते हैं। नेचुरल मेथड में भी फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट किया जा रहा था और बैरियर मेथड में भी फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट किया जा रहा है। तो यहां पर भी मीटिंग ऑफ ओवम ओवा एंड स्पर्म इज प्रिवेंटेड, ठीक, यानी दूसरे शब्दों में फर्टिलाइजेशन इज प्रिवेंटेड, दैट इज फर्टिलाइजेशन इज प्रिवेंटेड, फर्टिलाइजेशन इज प्रिवेंटेड, ठीक है, फर्टिलाइजेशन इज प्रिवेंटेड। बैरियर मेथड में आता है कंडोम्स का इस्तेमाल, फिर दूसरा होता है डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट्स, ये सब भी बैरियर्स आते हैं। तो आप यहां मेंशन कर लेंगे डायाफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स, वॉल्ट्स, ये आते हैं। जो कंडोम्स आते हैं वो मेल और फीमेल दोनों उनको यूज करते हैं, यूज्ड बाय मेल और फीमेल, यानी मेल कंडोम और फीमेल कंडोम। फीमेल कंडोम को फेमीडोम कहा जाता है, ठीक है ना, तो फेमीडोम जो होता है वो फीमेल कंडोम को कहते हैं, फीमेल कंडोम को कहा जाता है, ठीक है। निरोध, निरोध जो है वो ब्रांड नेम है मेल कंडोम का, ब्रांड नेम ऑफ मेल कंडोम, ठीक। अच्छा, ये कंडोम जो है वो लेटेक्स या रबर के बने होते हैं और मेल इनको अपने पेनिस के ऊपर चढ़ाते हैं कोइटस से पहले, सेक्स करने से पहले उनको पेनिस के ऊपर चढ़ा लेते हैं, उसके बाद उस पेनिस को फिर वजाइना में डालते हैं, जिससे कि जब सीमेन डिस्चार्ज हो तो वो इसी उस पाउच में ही रह जाए। कंडोम इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, उसमें ही सीमेन जो है वो रुक जाए, इकट्ठा हो जाए, फिर वो कंडोम को उतार लेंगे पेनिस से, उसी में सीमेन है, फिर उसको अपना थ्रो आउट कर देंगे। तो ये होता है कंडोम। तो कंडोम इज यूज्ड बाय मेल और फीमेल, फीमेल कंडोम को फेमिडोम कहते हैं, मेल कंडोम में से एक फेमस मेल कंडोम का ब्रांड है निरोध, ठीक है। और कंडोम किसके बने होते हैं, मेड अप ऑफ लेटेक्स, तो लेटेक्स के बने होते हैं कंडोम जो है, ठीक है, और या थिन रबर के बने होते हैं, पतला रबर होता है, थिन रबर, तो थिन रबर या लेटेक्स शीट के बने होते हैं। और जो मेल जो कंडोम होता है उनको पेनिस के ऊपर पहना जाता है, ठीक है ना, टू कवर पेनिस, तो ये दे कवर पेनिस एंड कलेक्ट सीमेन ड्यूरिंग ओइटस। और ये मेल कंडोम जो है वो वियर बिफोर कोइटस, कोइटस के पहले, और जो फीमेल कंडोम होता है उसको भी कोइटस के पहले फीमेल यूज करती है अपने वजाइना या सर्विक्स को कवर करने के लिए। तो फीमेल कंडोम जो होता है इट कवर वजाइना और सर्विक्स, तो फीमेल कंडोम भी वजाइना या सर्विक्स को कवर करता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, और यह कोइटस के पहले ही इसको वियर किया जाता है। तो वजाइना एंड सर्विक्स लिखिए, क्योंकि जब वजाइना कवर हो गया तो सर्विक्स भी तो कवर हो गया, तो इट इज बेटर यूज वजाइना एंड सर्विक्स। तो ये बात क्लियर हो गई। और जो कंडोम चाहे मेल हो फीमेल हो, ये लेटेक्स शीट का बना होता है या थिन रबर का बना होता है। कंडोम का प्रचलन ज़्यादा लोग करते हैं क्योंकि कंडोम का एक एडिशनल बेनिफिट भी है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को फैलने से रोकता है, यानी कंडोम अगर यूज़ करके सेक्स होगा तो फीमेल को अगर कोई सेक्सुअली सेक्सुअल सेक्स बॉन्ड डिजीज़ है, सेक्सुअल डिजीज़ है, तो मेल को नहीं लगेगी, और मेल को अगर कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, STD है, तो वो फीमेल को नहीं लगेगी।
तो एक तरह से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को भी प्रिवेंट करता है, ये एडिशनल बेनिफिट है। तो कंडोम का जो एडिशनल बेनिफिट है वो क्या है, इसीलिए इसका यूज और ज्यादा बढ़ जाता है, कॉमन हो जाता है। तो बेनिफिट क्या है, इट प्रिवेंट्स फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो कंडोम का ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है, ठीक है। प्रोटेक्ट फ्रॉम एसटीडी, प्रोटेक्शन फ्रॉम एसटीडी या प्रिवेंशन फ्रॉम, इसको सीधे लिखें प्रिवेंशन फ्रॉम एसटीडी या प्रोटेक्शन फ्रॉम एसटीडी, जो भी आपको उचित समझे उसको लिख लें। तो कंडोम के बारे में बता दिया। अब ये डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट, ये कप जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे समझ लीजिए। कंडोम तो ऐसे होंगे जिनको आप पेनिस के ऊपर ऐसे डाल सकते हैं, ये कप जैसे होते हैं, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट्स, ये रबर के बने होते हैं। और याद रखिए कंडोम जो है वो डिस्पोजेबल है, एक बार यूज किए तो दोबारा रीयूज नहीं कर सकते, ये डिस्पोजेबल होते हैं, ठीक है ना। डिस्पोजेबल समझते हैं, एक बार यूज किए फिर फेंक दिए, तो ये डिस्पोजेबल है, डिस्पोजेबल। ये नहीं कि रखे बार बार धो के यूज कर रहे हैं, फट जाएगा और रिस्की है, उसको दोबारा नहीं यूज कर सकते, एक बार फैल गया तो फिर वो सिकुड़ नहीं पाएगा। तो ये डिस्पोजेबल होता है, नॉट रीयूजेबल। और जो डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट होते हैं वो रीयूजेबल है, ये रबर के बने होते हैं, इनको वॉश करके दोबारा यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, डायफ्राम, सर्वाइकल, वॉल्ट्स आर बैरियर्स, ये भी होते हैं, रबर के बने होते हैं और रीयूजेबल होते हैं, रबर मेड ऑफ रबर, ठीक है। और ये सभी रीयूजेबल होते हैं, ये सभी रीयूजेबल होते हैं, ध्यान रखिएगा, दे ऑल आर रीयूजेबल, इन सभी को हम दोबारा यूज कर सकते हैं, ठीक है, वॉश करके। और लेकिन इनसे एसटीडी प्रिवेंट नहीं होता है, क्योंकि पूरी तरह से ये सील नहीं करते हैं, तो दे कैन नॉट प्रिवेंट पर्सन फ्रॉम एसटीडी। तो ये ध्यान रखें, एसटीडी से प्रिवेंशन कौन देता है, कंडोम देते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इनसे वजाइना और सर्विक्स को ढका जाता है, ज़्यादातर इसको इसलिए वजाइना में ही इसको इंसर्ट करते हैं और ये सर्विक्स को ढक लेता है, ये ध्यान रखेंगे, इंट्रोडक्शन थ्रू सर्विक्स। तो इट कवर्स सर्विक्स, ये सर्विक्स को कवर करता है, ठीक है, क्योंकि वजाइना में लगाते हैं, वजाइना की जो ओपनिंग सर्विक्स में है उसको ढक लेता है, तो एक तरह से ये सर्विक्स को कवर करता है, ये ध्यान रख लेंगे आप, ठीक है ना। कोइटस के समय, सेक्स के समय, तो सेक्स से पहले, कोइटस के पहले इसको इंसर्ट करते हैं, इट इज इंसर्टेड इन वजाइना, इट इज डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है, इन सब के बारे में बता रहे हैं। दीज आर इंसर्टेड इन वजाइना, दीज आर इंसर्टेड इन वजाइना, ठीक, टू कवर सर्विक्स, यानी सर्विक्स को कवर करना है, ये ध्यान रखिएगा, ये सर्विक्स को कवर करेंगे, इंसर्टेड इन वजाइना टू कवर सर्विक्स, और इनको हम यूज कोइटस से पहले, ठीक है, बिफोर कोइटस इनको वजाइना में डाल देंगे, उसके बाद सेक्स है। तो कंडोम के बारे में हो गया, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट्स के बारे में हो गया। हाँ, इनको, इन डिवाइसेस को यूज करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की मदद की जरूरत नहीं है, खुद ही पर्सन जो है वो उनको यूज कर सकता है, तो यूजर की प्राइवेसी वो भंग नहीं होती है कि कोई दूसरे आदमी से इंसर्ट करवा रहा है तो उसको थोड़ा झेप होगी, झिझक होगी कि वजाइना में कोई दूसरा आके डाल रहा है ये डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, पर्सन खुद ही इंसर्ट कर सकता है, कंडोम खुद ही पर्सन अपने हाथ से पहन सकता है पेनिस के ऊपर। तो यहाँ पर एनसीईआरटी बुक एक एक छोटे छोटे पॉइंट को डिस्कस करती है, और ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये कोई हिचक या झेप वाला कोई टॉपिक ही नहीं है, ये बिल्कुल जैसे अन्य चैप्टर वैसे ये चैप्टर है, ठीक है। इसको आप टैबू के रूप में अगर लेंगे तो फिर आप आज के ज़माने में फिर बहुत ही गलत है ये, ठीक है। आपको एक एक चीज़ को समझना है, ज़रूरी है इसमें। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि ये एक तरह से सेल्फ इंसर्टेड है की क्षमता होती है, मतलब इसमें आप इसको सेल्फ इंसर्ट कर सकते हैं या सेल्फ यूज कर सकते हैं, तो प्राइवेसी का कोई चक्कर नहीं रहता, ये ध्यान रखेंगे। तो गिव प्राइवेसी टू द यूजर,
तो ये जो बैरियर मेथड होता है इट गिव प्राइवेसी टू द यूजर, काहे की प्राइवेसी, वियर करने की प्राइवेसी, ठीक है, मतलब आप सेल्फ इसको यूज कर सकते हैं। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, कैन बी दीज कैन बी सेल्फ इंसर्टेड। अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूं, अभी इसके बाद IUDS आएगा, इंट्रा यूटराइन डिवाइस, ये वो खुद यूट्रस में नहीं डाल सकते, रिस्की है, डैमेज हो जाएगा, टिश्यू चोट लग जाएगी, वो डॉक्टर और ट्रेन नर्स ही डाल सकते हैं यूट्रस के अंदर, ठीक है। तो IUDS जो डिवाइस है वो सेल्फ इंसर्टेड डिवाइस नहीं है, वो डॉक्टर और ट्रेन नर्स उसको डाल सकते हैं, लेकिन डायफ्राम सर्वाइकल कैप वो यूट्रस में डालना है, वजाइना से होते हुए सर्विक्स में जाएगा, सर्विक्स से फिर यूट्रस में जाएगा, तो उसको लंबी यात्रा करनी है, ये तो सीधे वजाइना में डाल देना, सरका देना। तो डायफ्राम हो गया, सर्वाइकल कैप हो गया, वॉल्व हो गया, कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, और इसके कारण ये प्राइवेसी देता है किसको, यूजर को देता है प्राइवेसी। कंडोम के बारे में वही चीज है, इसमें एक चीज ये भी आप जान सकते हैं कि जो डायफ्राम है, सर्वाइकल कैप है, वॉल्व है, ये जब वजाइना में इंसर्ट कर लेते हैं तो इसके बाद एडिशनल इसमें क्रीम और जेलीज भी डाल सकते हैं साथ साथ में वजाइना के अंदर, स्पर्मिसाइडल, ताकि जब स्पर्म जाए तो वो जेली और जो क्रीम है जो कि जिसमें कि स्पर्म को मारने वाले केमिकल्स मौजूद हैं वो स्पर्म को मार दें। तो यहाँ पर ये भी एडिशनल चीज क्या की जा सकती है कि स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज एंड फोम्स आर यूज्ड अलोंग विद दीज गैजेट्स। तो आप यही लिख सकते हैं कि स्पर्मिसाइडल जेलीज, ठीक है ना, क्रीम्स, फोम्स, फोम्स मतलब टैबलेट रख दीजिए, डाल दीजिए वजाइना में और जरा भी उसको मॉइस्चर मिलेगा, पानी मिलेगा तो वो झाग बना देगा, पूरा फोम फोम हो जाएगा वजाइना के अंदर। तो स्पर्मिसाइडल जेलीज, क्रीम, फोम्स कैन बी यूज्ड अलोंग विद दीज बैरियर्स, अलोंग विद दीज बैरियर्स। तो इन बैरियर्स के साथ साथ स्पर्मिसाइडल जेलीज, क्रीम, फोम भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर स्पर्म को मारने वाले केमिकल भी मौजूद रहते हैं। तीसरा कंट्रासेप्टिव मेथड है, कंट्रासेप्शन मेथड है, वो है यूज ऑफ इंट्रायूटराइन डिवाइसेस। तो ये जो IUDS होता है या IUCDS होता है, इसका फुल फॉर्म हम पहले बता चुके हैं, ये डिवाइस जो है इट इज इंसर्टेड into uterus through vagina, vagina से होते हुए through vagina of female, यानी device को female use करती हैं, by help of doctors and trained nurses, इसकी पूरी training होती है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। तो doctors और trained nurses ही इसको insert कर सकती हैं इन devices को, ठीक है। अब देखिए ये जो डिवाइसेस होते हैं, ये तीन तरह के डिवाइसेस होते हैं इंट्रायूटराइन डिवाइसेस, और ये कई तरीके से प्रेगनेंसी को रोकते हैं, नेचुरल मेथड फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करके, बैरियर मेथड भी फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करके, लेकिन इंट्रायूटराइन डिवाइसेस कई चीजों को प्रिवेंट करता है, ये ओवुलेशन को भी प्रिवेंट करता है, इम्प्लांटेशन को भी प्रिवेंट करता है, फर्टिलाइजेशन को भी प्रिवेंट करता है, डिपेंड करता है किस तरह का इंट्रायूटराइन डिवाइस आप यूज करते हैं। तो इंट्रायूटराइन डिवाइसेस या IUCDS जो होते हैं, ये इंसर्ट किया जाता है यूट्रस में वजाइना के रास्ते, कोई सर्जरी की जरूरत नहीं है, वजाइना से सरका देते हैं यूट्रस में, और इसको ये काम डॉक्टर और ट्रेन नर्सेस करते हैं। अब NCERT बुक यहां मेंशन करती है कि तीन तरह के इंट्रायूटराइन डिवाइसेस जो है अवेलेबल हैं, तीन तरह के इंट्रायूटराइन डिवाइसेस अवेलेबल हैं, नॉन मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटराइन डिवाइस है, ठीक है, IUDS उसको कहा जाता है, दूसरा होता है कॉपर रिलीजिंग होता है, ठीक है ना, कॉपर रिलीजिंग IUDS, जिससे कि जिसके ऊपर की कॉपर की कोटिंग होती है, कॉपर रिलीजिंग IUDS, और तीसरा होता है हार्मोन कोटेड या मेडिकेटेड IUDS। तो हार्मोन कोटेड और मेडिकेटेड IUDS ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हार्मोन रिलीजिंग IUDS, हार्मोन रिलीजिंग IUDS, ठीक है, तो हार्मोन रिलीजिंग, कॉपर रिलीजिंग।
रिलेटेड आईडियाज, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये पता चल गया कि तीन तरह के डिवाइसेस होते हैं। इसमें एग्जांपल लिख लें, नॉन एंडेड लिपीज लूप है, लिपीज लूप हो गया लूप, मतलब शेप क्या रहा था, ये लूप जैसा होगा, कभी कभी ये टी जैसा होते हैं, ये जो आईयूडीएस होते हैं इनके वेरियस शेप्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये स्पाइरल्स के रूप में भी होते हैं। तो आईयूडीएस हैव वेरियस शेप्स, दे मे बी प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ स्पाइरल्स, दे मे बी प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ लूप, दे मे बी प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ टीज, टी के शेप का, लूप के शेप का, स्पाइरल के शेप का, तो वेरियस शेप्स के हो सकते हैं आईयूडीएस, ठीक है, ऑफ आईयूडीएस। तो ये जो लिपीज लूप है ये लूप के शेप का होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप देख रहे हैं कि लूप हो गया, टीज हो गया और स्पाइरल्स हो गए, ये वेरियस शेप्स होते हैं आईयूडीएस के, तो ये लिपीज लूप यही है। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस के एग्जांपल में है मल्टी लोड 375, नाम क्या होती है, मल्टी लोड 375, मल्टी लोड 375 है, कॉपर टी है, कॉपर टी 7 है, ठीक है ना, इस तरह से नाम आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, उसको CU7 भी लिखा रहता है, CU7 भी टी के शेप का होता है, मल्टी लोड 375, CU7, ये सब कुछ एग्जांपल है कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस के, ब्रांड नेम है ये इनका, लिपीज लूप ब्रांड नेम है। हॉर्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस के एग्जांपल में प्रोजेस्टासर्ट है, प्रोजेस्टासर्ट हो गया, LNG20 हो गया, LNG20 लेवलर गैस्ट्रॉल नाम का केमिकल जो कि प्रोजेस्टेरॉन से मिलता जुलता है, वो उसकी कोटिंग होती है। तो मतलब क्या है कि ये मेटल के बने होते हैं, याद रखिए ये जो आईयूडीएस होते हैं ये मेटल के बने होते हैं, इनके ऊपर कॉपर चिपका रहता, मेटल के या पॉरी या फिर कोई पॉलीमर के बने होते हैं, ठीक है ना, तो पॉलीमर होते हैं, तो ये मेटल के बने होंगे या सिंथेटिक प्लास्टिक के बने होंगे, इनके ऊपर कोटिंग होती है कॉपर की या आयरन की कोटिंग होती है। मान लो ये जो स्पाइरल है, ये रोटी है, ये मेटल का होगा, ठीक है, बेरियम सल्फेट या स्टेनलेस स्टील का बना होगा, उसके ऊपर बेरियम सल्फेट लगा दिया या उसके ऊपर कॉपर चिपका दिया, उसके ऊपर हॉर्मोन्स चिपका दिए, तो ये चीज़ होता है, तो ध्यान रखना है। ये हो गया आईयूडीएस के बारे में, उनके एग्जांपल के बारे में। अब ये काम कैसे करते हैं, ध्यान रखिए, कोई भी आईयूडीएस, इन तीनों में से कोई भी आईयूडीएस अगर यूट्रस के अंदर गया तो वो यूट्रस के जो दीवार में पेरिस्टाल्सिस चलती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, वो फास्ट कर देता है, क्योंकि यूट्रस अपने अंदर कोई भी चीज़ आएगा तो उसको जल्दी से वो बाहर ढकेलने की कोशिश करेगी, तो यूट्रस से ही जुड़ा हुआ है फलोपियन ट्यूब, तो फलोपियन ट्यूब के भी वॉल में क्या होगा, तेज मूवमेंट होगी। तो मान लो अगर आईयूडीएस पड़ा है और स्पर्म अंदर गया और फर्टिलाइजेशन भी कर दिया, तो जिस एम्ब्रियो को यूट्रस में आने में 7 दिन लगना चाहिए वो 3 दिन में ही पहुंच जाएगा, क्योंकि यूट्रस की मोर्टेलिटी और जो फलोपियन ट्यूब की मोर्टेलिटी है वो बढ़ जाती है, तो प्री मेच्योर एम्ब्रियो पहुंच जाएगा यूट्रस में, तो उसका इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। तो कोई भी आईयूडीएस, ये सारे आईयूडीएस जो होते हैं ये प्री मेच्योर एम्ब्रियो ड्यू टू IUDS, कोई भी IUDS reaches the uterus, यानी कि जिस स्टेज में इम्ब्रियो को मारुला स्टेज में पहुंचना चाहिए और ब्लास्टुला बनेगा यूट्रस में, तब जाके इम्प्लांटेशन होगा, पता चला जाइगोट अभी 2 सेंट हुआ है, 3 सेंट, 4 सेंट हुआ है, तभी पहुंच गया यूट्रस में, क्योंकि यूट्रस की वॉल में IUDS की वजह से जल्दी जल्दी मूवमेंट हो रहा है, तो उससे उसकी वजह से फलोपियन ट्यूब के भी वॉल में जल्दी जल्दी मूवमेंट या पेरिस्टाल्सिस हो रहा है, तो जल्दी से ढकेल देगा इम्ब्रियो को कहाँ पर, यूट्रस में, तो उस समय तक कभी यूट्रस की वॉल तैयार ही नहीं हुई इम्प्लांटेशन के लिए, तो फेलियर ऑफ इम्प्लांटेशन। तो ड्यू टू IUDS प्री मैच्योर इम्ब्रियो रीचेज द यूट्रस, सो इम्प्लांटेशन फेल्स, तो उससे नो इम्प्लांटेशन, तो ये इम्प्लांटेशन को रोकेगा, इम्प्लांटेशन को रोकेगा। दूसरा तो कोई भी आईयूडीएस काम करता है, ये आईयूडीएस इज अ फॉरेन ऑब्जेक्ट, बाहर से कोई चीज अंदर गई है बॉडी के अंदर, तो यूट्रस की दीवार में WBC निकलते रहते हैं, तो वो WBC निकलते हैं ये सोच के कि कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट आया है तो इसको, इसके खिलाफ हम लोग हमला करेंगे,
तो अगर इसलिए WBC का कंसंट्रेशन बढ़ा रहता है यूट्रस के वॉल में जिसमें IUDS पड़ा हुआ है, तो जब भी स्पर्म गुजरेगा यूट्रस के वॉल से होते हुए तो ये WBC बहुत सारे स्पर्म को फेगोसाइटोसिस करके खा डालेंगे, तो बहुत कम स्पर्म पहुंच पाते हैं कहां पर, फेलोपियन ट्यूब तक। तो यानी कि इन तीनों की IUDS की वजह से आप कह सकते हैं कि इंक्रीज WBC, ये NCERT बुक में नहीं है, इन वॉल ऑफ यूट्रस, ठीक है, सो मोर फेगोसाइटोसिस, तो ज्यादा फेगोसाइटोसिस होने लगेगा ऑफ स्पर्म, मोर फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स, तो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन कम कर देता है, चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज हाईली रिड्यूस्ड, हाईली रिड्यूस्ड। तो ये क्लियर होगा, फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट किया, इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट किया, ये बात समझ में आ गई आपको, ये कोई भी IUDS से काम करेगा, चाहे वो नॉन मेडिकेटेड हो, कॉपर रिलीजिंग हो या हार्मोन रिलीजिंग हो, ये दो काम तो सभी IUDS के। अब इसमें कॉपर रिलीजिंग IUDS की तरफ से एक्स्ट्रा काम क्या होता है ये ध्यान रखना, ये स्पर्म की मोर्टेलिटी को और उसकी फर्टिलाइजेशन प्रॉपर्टी को घटा देता है, स्पर्म को धीमा कर देगा, उसकी मोर्टेलिटी को कम कर देगा, रिड्यूसेस द मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्म एंड फर्टिलाइजिंग प्रॉपर्टी इज रिड्यूस, उसकी फर्टिलाइजिंग प्रॉपर्टी को भी रिड्यूस कर देगा कॉपर घुस करके स्पर्म के अंदर, तो एक तो उसकी मूवमेंट की उसकी स्पीड को कम कर देगा और दूसरा उसकी फर्टिलाइज कर पाने की क्षमता को रिड्यूस कर देगा, NCERT बुक ये दोनों लिखती है। तो कॉपर रिलीजिंग IUDS तीन तरीके से काम किया, एक तो इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट किया, एक फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट किया और एक स्पर्म की जो मोर्टेलिटी है उसको रिड्यूस कर देगा, उसकी फर्टिलाइजेशन की प्रॉपर्टी को रिड्यूस कर देगा, यानी ये भी फर्टिलाइजेशन को रोकेगा, यानी कि चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज हाईली रिड्यूस। कहने का मतलब जब ये सारी चीजें होंगी तो स्पर्म ओवम तक पहुंच ही नहीं पाएगा, पहुंच भी गया तो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा, तो इससे इस पॉइंट से यही तो मतलब निकल के आया कि चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन हाईली रिड्यूस, तो इन दोनों से फर्टिलाइजेशन का चांस भी रिड्यूस हो जाता है और इम्प्लांटेशन तो रिड्यूस हो ही रहा है, ठीक है, कोई भी चीज यूट्रस के अंदर पड़ी रहेगी तो वो पेरिस्टाल्सिस को बढ़ा बढ़ा करके वो उसको यूट्रस से बाहर एक्सपेल करने की कोशिश करेगा, तो उससे ट्यूबल फलोपियन ट्यूब की मोर्टेलिटी भी बढ़ जाएगी, तो तेजी से उसके अंदर जो भी चीज है वो यूट्रस में आने की कोशिश करेगी, प्रीमेच्योर इम्ब्रियो आ गया, समय से पहले इम्ब्रियो पहुंच गया, इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमने आपको समझा दिया है कि IUDS अलग अलग तरीके से कैसे काम करते हैं। अच्छा, ये जो हार्मोन रिलीजिंग IUDS होता है ये दोनों ही LNG लेवनर गैस्ट्रॉल, LNG का फुल फॉर्म होता है लेवनर गैस्ट्रॉल, लेवनर गैस्ट्रॉल प्रोजेस्टेरोन जैसा केमिकल होता है, तो ये दोनों क्या करते हैं सर्वाइकल म्यूकस को, सर्वाइकल म्यूकस को याद रखिए, फीमेल के सर्विक्स में ये मान लो ये सर्विक्स है, ये वजाइना है, ठीक है ना, इसके बाद इसके ऊपर ये यूट्रस है, तो सर्विक्स में म्यूकस भरा होता है, सर्विक्स में म्यूकस प्लग होता है, ठीक है, और ये म्यूकस प्लग गाढ़ा और पतला होता रहता है, एस्ट्रोजन इस म्यूकस को पतला करता है, प्रोजेस्टेरोन इस म्यूकस को गाढ़ा करता है, तो म्यूकस को थिक बनाता है, थिक म्यूकस ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन, ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, और जितना म्यूकस गाढ़ा होगा तो स्पर्म इस म्यूकस से होकर गुजर नहीं पाएगा, स्पर्म म्यूकस बहुत गाढ़ा है तो स्पर्म कैसे जा पाएगा उसके थ्रू, जब म्यूकस पतला होगा तो स्पर्म आसानी से घुस जाएगा, तो एस्ट्रोजन अगर है का लेवल ब्लड में बढ़ेगा तो ये पतला हो जाएगा तो स्पर्म आसानी से पास हो जाएगा, लेकिन अगर प्रोजेस्टेरोन की मात्रा ज्यादा रहेगी तो म्यूकस गाढ़ा रहेगा, थिक म्यूकस, और थिक म्यूकस के वजह से प्रोजेस्टेरोन के कारण जो थिक म्यूकस हो जाता है सर्वाइकल सर्विक्स के अंदर, उसको सर्वाइकल प्लग बोलते हैं, ठीक है, ये सर्वाइकल प्लग भी बोला जाता है, इसको सर्वाइकल प्लग भी बोला जाता है, उसके वजह से ये म्यूकस के कारण स्पर्म जा नहीं पाता, तो इट मेक सर्विक्स होस्टाइल फॉर स्पर्म, यानी स्पर्म के लिए होस्टाइल, मतलब एक तरह से कहा जाता है इसको कि इट जो हार्मोन रिलीजिंग जो IUDS है
ये सर्वाइकल प्लग को गाढ़ा कर देते हैं, जिससे कि सर्विक्स जो है वो स्पर्म के लिए होस्टाइल हो जाती है, मतलब इस वो जा ही नहीं पाता स्पर्म उस सर्वाइकल प्लग के थ्रू क्योंकि बहुत गाढ़ा हो गई है, तो फर्टिलाइजेशन को रोका। साथ में प्रोजेस्टेरॉन की लेवल जब ज़्यादा होगी तो वो ओवुलेशन को प्रिवेंट, वो क्या करता है एलएच हार्मोन के लेवल को बढ़ने नहीं देता, और एलएच हार्मोन का लेवल जब बढ़ेगा नहीं तो ओवुलेशन नहीं होगा। तो आप देखेंगे हार्मोन रिलीजिंग आयु डीएस जो होते हैं ये प्रिवेंट ओवुलेशन, प्रिवेंट ओवुलेशन यानी ओवुलेशन को भी प्रिवेंट करते हैं। तो यही एक ऐसे आयु डीएस है जो इम्प्लांटेशन को भी प्रिवेंट किए, क्योंकि ट्यूबल मोर्टेलिटी बढ़ गई। दूसरा फर्टिलाइजेशन को भी प्रिवेंट किए क्योंकि स्पर्म को पहुंचने नहीं दे रहे ओम तक, होस्टाइल कर दे रहे सर्विक्स को स्पर्म के लिए, सर्वाइकल प्लग को मोटा करके, और डब्ल्यूबीसी का मात्रा भी बढ़ा दिया है यूट्रस में क्योंकि ये फॉरेन ऑब्जेक्ट है। और तीसरा ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेंगे धीरे धीरे यूट्रस के वॉल में, वहां से फिर एलएच हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा तो ओवुलेशन नहीं होगा, तो फर्टिलाइजेशन कहां से होगा। तो इन तीनों में हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस जो होता है वो इम्प्लांटेशन को रोक करके, फर्टिलाइजेशन को रोक करके और ओवुलेशन को रोक करके, तीनों तरीके से ये अपना इफेक्ट दिखाते हैं, असर दिखाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो एक तरह से हमने आपको आईयूडीएस जो है वो किस तरीके से प्रेगनेंसी को स्टॉप करते हुए हमने बता दिया है, ठीक है। और ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव माने जाते हैं उन फीमेल्स के लिए जो कि बच्चों में अंतर रखना चाहते हैं, ठीक है, और प्रेगनेंसी को रोकना चाहते हैं। तो आप लिखेंगे कि कौन सा आईयूडीएस है जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में फीमेल जो है वो यूज करती है, तो आईयूडीएस आप कह देंगे। तो ये ध्यान रखिएगा आईयूडीएस आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स, तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है फॉर फीमेल्स हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी और स्पेस चिल्ड्रन, मतलब दो बच्चों के बीच में अंतर रखना चाहते हैं, फॉर फीमेल्स, ठीक है, हु वांट टू डिले, who want to delay pregnancy, ज़्यादा नहीं यहाँ लिखना पड़ेगा, pregnancy और space children मतलब बच्चों के बीच में अंतर रखना चाहते हैं, तो उनके लिए ideal contraceptive माना जाता है, ठीक है, ये clear हो गया। और ये one of the widely accepted contraceptive method है all over India, यानी भारत में सबसे ज़्यादा use किया जाने वाला method IUDS होता है। अभी भी गाँव में, शहर में, शहर की आबादी कम है, गाँव की आबादी ज़्यादा है, तो गाँव में फीमेल जो है वो आईयूडीएस प्रेफर करते हैं और शहर में फीमेल ओरल पिल्स प्रेफर करते हैं। तो गाँव की आबादी ज़्यादा है फीमेल्स की, तो अगर पूछा जाए पूरे भारत में कौन सा कंट्रासेप्टिव मेथड सबसे ज़्यादा यूज होता है तो आप बोलेंगे आईयूडीएस यूज होता है, तो ये भी आप मेंशन कर लेंगे। मैं बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ, इट इज़ वन ऑफ द वाइडली यूज एक्सेप्टेड मेथड, तो ये वाइडली यूज लिखने का, वन ऑफ द कैलकुलेटर सीधे लिखिए वाइडली यूज्ड कंट्रासेप्टिव मेथड, वन ऑफ द वाइडली यूज्ड एनसीईआरटी को लिखा है, मैं कह रहा हूं वाइडली यूज, सबसे ज्यादा यही यूज होता है भारत में कंट्रासेप्शन में, ठीक है, कंट्रासेप्शन के लिए। अब जो कंट्रासेप्शन मेथड है उसमें हम लोग ओरल कंट्रासेप्शन की बात करेंगे, ओरल कंट्रासेप्शन में पिल्स यूज किए जाते हैं, ओरल पिल्स दो तरह के होते हैं, एक में केवल प्रोजेस्टेरॉन होता है और एक में प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, उसको कंबाइन पिल भी कहा जाता है। तो एक पिल को बोला जाता है प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल, मतलब एक में केवल प्रोजेस्टेरॉन होता है, और एक को बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन पिल्स, ठीक है, या इसी को कंबाइंड पिल भी कहा जाता है, कंबाइंड पिल्स। तो दो तरह के ओरल पिल्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, और इनको टैबलेट के फॉर्म में यूज करते हैं और इनको 21 दिन तक लगातार लेते हैं, 7 दिन के गैप के बाद, हर 21 दिन के लिए लगातार लेते हैं 7 दिन के गैप के बाद, यानी कि पिल्स आर टेकन फॉर एवरी 21 डेज आफ्टर गैप ऑफ 7 डेज, यानी इन पिल्स को बार बार लेना पड़ता है
21 दिन के लिए 7 दिन के गैप के बाद। मान लीजिए आज से लेकर के 21 दिन तक पिल खाया और उसके बाद फिर 7 दिन का गैप किया, फिर 21 दिन तक पिल खाया, फिर 7 दिन का गैप किया, फिर 21 दिन तक पिल खाया, फिर 7 दिन का गैप किया, और जब प्रेगनेंसी चाहिए तो पिल खाना छोड़ दीजिए तो प्रेग्नेंट हो जाएगी फीमेल। तो इस पिल को लगभग वो जो खाना है एक तरह से देखा जाए तो एक महीने में 30 दिन होते हैं, 21 दिन खाना है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि भूल गए कि पिल खाए हैं कि नहीं खाए, अक्सर ये होता है जिनको रोज दवाई खानी होती है अक्सर भूल जाते हैं कि पिल आज का खाया कि नहीं खाया। दो खा लेंगे तो ये हॉर्मोन्स का पिल है ना, ये इसका बहुत साइड इफेक्ट होता है, तो इसलिए ये भाई झंझट रहता है। और जाहिर सी बात है हॉर्मोन के पिल है तो ये ओरल पिल्स भी उसी तरह से काम करेंगे कि ये ओवुलेशन को क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे, क्योंकि प्रोस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा, एलएच का लेवल वो घटा के रखेगा तो ओवुलेशन नहीं होगा, तो इसलिए प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। तो ये ध्यान रखना है कि इन पिल को 21 दिन तक लेना है 7 दिन के गैप के बाद, ठीक है। और ये 7 दिन जो गैप करेंगे वो मेंस्ट्रुएशन का जो गैप होता है वो लगभग जैसे मान लीजिए 3 से 5 दिन का मेंस्ट्रुएशन होता है तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इसको नहीं लेते हैं, और मेंस्ट्रुएशन जैसे ही स्टॉप मेंस्ट्रुएशन होना बंद हो गया तब से वो पिल लेना शुरू कर देते हैं, और फिर नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन जब आना शुरू होता है तो फिर छोड़ देते हैं, वो लगभग 7 दिन का एवरेज माना जाता है, ठीक है। तो इसको आप मेंशन भी कर लेंगे, इसके हम लिख भी लेंगे ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन ऑकर्स। ये 7 दिन तो नहीं लेते हैं, कौन सा दिन होता है ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन ऑकर्स, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन ऑकर्स, तो जब तक मेंस्ट्रुएशन चल रहा होता है वो लगभग 7 दिन में जोड़ लेते हैं कि वो नहीं लेना है, उसमें एक आध दिन पहले एक दिन बाद से, तो ये हो गया। और ये ओरल पिल क्या करते हैं, ओरल पिल से ओवुलेशन प्रिवेंट होता है, फिर सर्वाइकल म्यूकस गाढ़ा हो जाता है जिससे कि स्पर्म की एंट्री नहीं हो पाती है सर्विक्स के थ्रू, तो फर्टिलाइजेशन को भी प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। तो ओरल पिल प्रिवेंट ओव्यूलेशन फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कैसे प्रिवेंट करेंगे, मेक सर्विक्स होस्टाइल फॉर स्पर्म, होस्टाइल फॉर स्पर्म यानी सर्विक्स को स्पर्म के लिए होस्टाइल कर देंगे बाय मेकिंग द सर्वाइकल प्लग थिक, बाय मेकिंग द सर्वाइकल प्लग थिक, सर्वाइकल प्लग को मोटा करके, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और ओवुलेशन को कैसे प्रिवेंट करेंगे, ओवुलेशन कैसे रोकेंगे, भाई प्रोजेस्टेरोन का हाई लेवल से एलएच हार्मोन का लेवल लो होगा, और जब एलएच हार्मोन का लेवल लो होगा तो ओवुलेशन नहीं होगा, तो ओवुलेशन के प्रोसेस को ये रोक देते हैं, फर्टिलाइजेशन भी रोके और ओवुलेशन भी रखे, और यूट्रस को अनसुटेबल कर देते हैं फॉर इम्प्लांटेशन, यानी कि इम्प्लांटेशन भी नहीं होने देते हैं। तो ये तीनों स्तर पर तीनों ही चीज अपनाते हैं जिससे कि प्रेगनेंसी ना हो। तो मेक यूट्रस, मेक वॉल ऑफ यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, मेक वॉल ऑफ यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, यानी यूट्रस के वॉल पे कुछ ऐसा परिवर्तन कर देते हैं जिससे कि इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। तो ये ओरल पिल के काम करने का तरीका होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें ये ध्यान रखना है कि पिल्स जो है वो काफी इफेक्टिव होते हैं और इनके लेस साइड इफेक्ट्स होते हैं, बट साइड इफेक्ट होते हैं, तो ये एनसीईआरटी बुक यहाँ लिखती है वेरी इफेक्टिव इन लेसर साइड इफेक्ट। और ये अर्बन जो फीमेल्स होती हैं, शहरी जो फीमेल्स होती हैं, उनमें वेल एक्सेप्टेड, तो वेल एक्सेप्टेड बाई फीमेल्स, ये लिखा एनसीईआरटी बुक में। लेकिन ये कौन सी फीमेल, रूरल फीमेल्स नहीं, अर्बन फीमेल, शहरी जो औरतें होती हैं वो इनको ज्यादा यूज करती हैं, गाँव की औरतें आयुर्वेद को यूज करती हैं, कौन रोज रोज पिल खाए, डॉक्टर के पास कौन ज्यादा के दवाई ले, कामकाजी महिलाएं होती है, एक बार इंसर्ट करा दिए यूट्रस में, चल रहा है 1 साल 2 साल या 3 महीना 4 महीना, फिर 4 महीने बाद में जाना पड़ेगा इंसर्ट कराने, या साल भर बाद में जाना पड़ेगा इंसर्ट कराने जब कॉपर की मात्रा खत्म हो जाएगी या वो थोड़ा सा पुराना हो जाएगा यूडीएस, तो हार्मोन की मात्रा जब खत्म होने लगेगी। लेकिन यहाँ टेबलेट तो रोज खाना पड़ेगा, कभी मिस हो गया, छूट गया, भूल गया, तो इसलिए गाँव वाली महिलाएं आयुडीएस यूज करती हैं, पूरा भारत सबसे ज्यादा आयुडीएस यूज करता है क्योंकि गाँव की महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है, शहरी महिलाएं जो है ओरल कंट्रासेप्टिव यूज करते हैं। वेल एक्सेप्टेड बाई फीमेल्स, कौन सी फीमेल, अर्बन फीमेल्स, एनसीईआरटी को अर्बन नहीं लिखा है, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, ये ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं, ये लेस साइड इफेक्ट होता है, ये ध्यान रखेंगे।
तो आप लिख लेंगे लेस साइड इफेक्ट होता है वेरी इफेक्टिव, तो वेरी क्योंकि तीनों लेवल पर काम कर रहा है तो वेरी इफेक्टिव एंड लेस साइड इफेक्ट, वेरी इफेक्टिव और लेस साइड इफेक्ट। तो ये भी एक वजह होता है कि जो फीमेल्स हैं वो इनको यूज करती हैं, शहरी जो फीमेल्स हैं वो ज्यादा इनको यूज करती हैं। ठीक है, अब इसमें एक नया ओरल कंट्रासेप्टिव पिल आया है जिसको कहते हैं सहेली, जो कि सहेली के नाम से जाना जाता है। तो सहेली जो है ये ओरल कंट्रासेप्टिव पिल है, कंट्रासेप्टिव पिल है, ये प्रोस्टेरोन ओनली पिल, प्रोस्टेरोन एस्ट्रोजन पिल, ये सब स्टीरॉयड है, ये सब स्टीरॉयड हार्मोन है ये, और स्टीरॉयड से साइड इफेक्ट आता है, आगे चल के कैंसर भी हो सकता है कभी कभी। तो ये नॉन स्टीरॉयडल पिल है, दुनिया का पहला नॉन स्टीरॉयडल पिल, फर्स्ट नॉन स्टीरॉयडल पिल है और ये भारत में बनाया गया है, ठीक है, प्रिपेयर्ड इन इंडिया, दुनिया का पहला नॉन स्टीरॉयडल पिल इंडिया का बनाया गया, इंडिया का कहां, सीडीआरआई लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में इसको बनाया गया है सहेली। और ये वंस इन अ वीक पिल है, एक सप्ताह में सिर्फ एक गोली खानी, यानी एक महीने में चार बार, इसको वंस इन अ वीक पिल कहा जाता है। तो सहेली इज अ वंस इन अ वीक पिल है, इट इज वंस इन अ वीक पिल, इसको एक सप्ताह में एक बार खाना है और इसका बहुत ही लिटिल साइड इफेक्ट है विद हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू। तो सहेली का लिटिल साइड इफेक्ट है विद हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो फ्यू साइड इफेक्ट विद हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू, तो इसके बारे में लिख लें लिटिल साइड इफेक्ट, बहुत थोड़ा साइड इफेक्ट है, इनसे तो कम ही, प्लस हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू, हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू। और ये एक तरह से एस्ट्रोजन जहां जाके काम करता है ना उसके काम को ये रोकता है, यानी एस्ट्रोजन हार्मोन किसी रिसेप्टर के जरिए काम करेगा तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन के रिसेप्टर को मॉड्यूलेट कर देता है, चेंज कर देता है, जिससे एस्ट्रोजन काम नहीं कर पाता है। तो सहेली कैसे एक्ट करता है, ये एस्ट्रोजन को अपना काम नहीं करने देता है, तो इट इज एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, ये एनसीईआरटी में लिखा है, तो इट इज एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, मतलब एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को ये मॉड्यूलेट कर देता है, चेंज कर देता है। अब जब एस्ट्रोजन का रिसेप्टर चेंज कर दिया तो एस्ट्रोजन जाके बाइंड कहां से करेगा, नहीं कर पाएगा रिसेप्टर से, तो एस्ट्रोजन का इफेक्ट ही नहीं होगा। जब एस्ट्रोजन का इफेक्ट ही नहीं होगा तो मेंस्ट्रुएशन पर असर पड़ेगा उसका, और एस्ट्रोजन हार्मोन जो जो जगह हेल्प करता है वो हर रिप्रोडक्टिव इवेंट प्रभावित होगा। तो इस तरह से सहेली के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, इट इज वंस इन अ वीक पिल, उसको साल इसको हफ्ता सप्ताह में एक बार लेना पड़ता है, इट इज दुनिया का पहला नॉन स्टेरॉयडल पिल है, इसको इंडिया में बनाया गया सीडीआरआई लखनऊ में, ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है, ये एस्ट्रोजन के एक्शन को इंटरफेयर करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है। कैसे, एस्ट्रोजन जिस रिसेप्टर के जरिए काम कर रहा होता है वो उस रिसेप्टर से जाके खुद जुड़ जाता है, उसको चेंज कर देता है, जिससे एस्ट्रोजन बाइंड नहीं कर पाता है। ठीक है, जुड़ने का मतलब एस्ट्रोजन के रिसेप्टर में चेंज ला देता है कहीं दूसरी तरफ चिपक करके, तो अब वो एस्ट्रोजन जुड़ ही नहीं पाएगा, और इसका लिटिल साइड इफेक्ट होता है और ये इसकी कंट्रासेप्टिव वैल्यू हाई होती है। अब कंट्रासेप्शन मेथड में इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स की बात करते हैं, तो इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स, देखिए इंजेक्शंस में या तो प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन का इंजेक्शन लगवाया जा सकता है, ठीक है ना। तो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन का इंजेक्शन या केवल प्रोजेस्टेरॉन का ही इंजेक्शन लगता है, और ये इंजेक्शन का असर एक साल मतलब के दो महीने तीन महीने ये कॉमन रहता है, दो महीने तीन महीने पर इसका एक इंजेक्शन लग जाता है, साल भर तो नहीं, दो महीने तीन महीने छह महीने तक इसका असर रहता है, तो इंजेक्टेबल हो गया ये, इसमें मतलब हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है। इम्प्लांट्स क्या होते हैं, इम्प्लांट जो होते हैं इसमें सिलिकॉन का बैग सैक ले लेते हैं, और इसी सिलिकॉन का जो बैग होता है सैक होता है, ठीक है ना,
इसको स्किन के नीचे स्किन में चीरा लगा करके स्किन के अंदर घुसा देते हैं, स्किन और मसल्स के बीच में। ये मान लो ऊपर स्किन चढ़ाई, ये स्किन के नीचे रहेगा। और ये जो पाउचेस होते हैं, ये पाउचेस होते हैं पाउचेस ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन एक मटेरियल होता है, ठीक है ना। उस सिलिकॉन के पाउच में, ये जो सिलिकॉन है ये उसका पाउच होता है, ठीक है, पाउचेस ऑफ सिलिकॉन। उसी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन भर देते हैं, यानी इसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन भर देते हैं, ठीक है, और उसको स्किन के नीचे डाल देते हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न में, फैन शेप मैनर में। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कौन सा मैनर है, फैन शेप मैनर में स्किन के नीचे डाल दिए, फैन शेप मैनर में बीनीथ स्किन। और ये जो इम्प्लांट है इसको नॉर प्लांट कहा जाता है। इसका मार्केट में जाएंगे कहेंगे नॉर प्लांट दो, तो वो देगा और स्किन के नीचे लगा देना है उसको, डॉक्टर से लगवा लेना सर्जरी, छोटी सर्जरी से नॉर प्लांट। तो एक इम्प्लांट का एग्जाम्पल है नॉर प्लांट। नॉर प्लांट में क्या होता है, कुछ बैग्स होते हैं फैन शेप मैनर में, उनको स्किन के नीचे लगा दिया जाता है। उन बैग्स में सिलिकॉन के बैग होते हैं, उनके अंदर क्या भर जाता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ही भरा रहता है। धीरे धीरे ये रिश्ता रहता है, ब्लड में जाता रहता है और ओवुलेशन को रोके रहता है, सर्वाइकल म्यूकस को गाढ़ा बनाए रखता है जिससे स्पर्म ना जा सके, ठीक, इम्प्लांटेशन को होने नहीं देता है। तो ये जो इंजेक्शन है, इम्प्लांट्स हैं, ये सभी ओवुलेशन को भी प्रिवेंट करते हैं, ठीक, प्रिवेंट ओवुलेशन, प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन एंड प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन यानी प्रोजेस्टेरॉन अगर आ गया तो समझ जाओ तीनों प्रिवेंट होगा, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है इंजेक्टेबल्स के बारे में और इम्प्लांट्स के बारे में, ठीक है। और लेकिन इनका जो इफेक्टिव पीरियड होता है मच लॉन्गर है, पिल से ज्यादा लॉन्गर, मतलब ज्यादा समय तक असरकारी होते हैं, ठीक है। तो आप उसको कैसे मेंशन करेंगे, इफेक्टिव पीरियड आर मच लॉन्गर। तो इफेक्टिव पीरियड आर मच लॉन्गर इन केस ऑफ इंजेक्शंस एंड इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स का तो सबसे ज्यादा लंबा होता है, 2 साल, 3 साल, 6 साल, इसका तो मच लॉन्गर है, इसीलिए मैं मच लॉन्गर लिख दे रहा हूं। लॉन्गेस्ट इफेक्टिव पीरियड पूछेगा अगर डिवाइसेस या मेडिसिन जो यूज कर रहे हैं, तो मच लॉन्गर जो है वो किसका होगा, इम्प्लांट का होगा। इंजेक्शन का भी लंबा होगा लेकिन महीनों में होगा, ओरल पिल से तो ज्यादा ही असरकारी होगा, ज्यादा लंबे समय तक इसका असर रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि ओरल पिल में भी हार्मोन यूज करते हैं, इंजेक्शन और इम्प्लांट्स में भी हार्मोन यूज कर रहे हैं, तो ओरल पिल और इंजेक्शन इम्प्लांट का मोड ऑफ एक्शन सेम है, लेकिन ये ज्यादा असर दिखाने वाला मेथड होता है। चीज और ध्यान रखिएगा, कभी कभी इमरजेंसी कंट्रासेप्शन की भी जरूरत पड़ जाती है, तो इमरजेंसी कंट्रासेप्शन क्या है इसको समझिए। इमरजेंसी कंट्रासेप्शन is used after sex, सेक्स के बाद यूज होता है, सेक्स के पहले नहीं यूज होता है, ठीक, तो उसमें इमरजेंसी कंट्रासेप्शन करते हैं। और इमरजेंसी कंट्रासेप्शन का असर तभी होता है, प्रेगनेंसी तभी रुक पाई सेक्स के बाद, जब वो विद इन 72 आवर्स लिया गया। इट इज इफेक्टिव व्हेन टेकन विद इन 72 आवर्स ऑफ सेक्स, यानी सेक्स हो गया, अब प्रेगनेंसी जैसे बचना है, अब क्या करें, तो 72 घंटे के अंदर इमरजेंसी कंट्रासेप्शन यूज करिए। जैसे मान लीजिए रेप हो गया, तो अनवांटेड सेक्स है ना, बिना इच्छा का सेक्स है ना, तो उसकी प्रेगनेंसी हम क्यों अटेंड करेंगे, तो इसलिए रेप के केस में, या अनवांटेड प्रेगनेंसी आ गई, ठीक है, सेक्स हो गया अब हमको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, या रेप हो गया उसकी प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है, तो वो सेक्स के बाद जो हम कंट्रासेप्शन मेथड यूज करेंगे उसको बोलेंगे इमरजेंसी कंट्रासेप्शन, इट इज यूज आफ्टर सेक्स। जैसे कि इन केस ऑफ रेप हो चुका है तब, या फिर आप कह सकते हैं कि पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो गया, इंटरकोर्स को भी सेक्स होते हैं इंटरकोर्स, ठीक है। अवॉइड प्रेगनेंसी
इन केस ऑफ रेप और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, तो तब ये इमरजेंसी कंट्रासेप्शन जो है वो यूज किया जाता है और ये इफेक्टिव तभी होता है जब ये सेक्स विदिन 72 आवर्स लिया गया हो। क्या करते हैं इसमें, इसमें IUDs इंसर्टेड इन यूट्रस, IUDs का यूज करते हैं विदिन 72 आवर, या प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन के कॉम्बिनेशन की गोली खाते हैं, ठीक है ना। तो आप यहां मेंशन कर लेंगे कि प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन प्रोजेस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन का पिल यूज करते हैं, तो ये तीन चीज यूज किया जा सकता है इमरजेंसी कंट्रासेप्शन में।